Hey guys, this is Shashank and welcome back to my channel. I hope you are doing absolutely good. So, हम आए हैं कूर्ग, जिसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है और इसको कन्नड़ में कोडुकू बोला जाता है. कूर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है और हम लोग रुके हैं मदिकैरी में. मदिकैरी एक छोटा सा कस्बा, आप टाउन बोल सकते हैं. मदिकैरी है, उसके बाजू में कुशाल नगर है, ऐसी जगह है. सो आप लोग इस वीडियो में 2 डेज़ की कंप्लीट आइटिनरी जानने वाले हैं. तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, आप लोग क्या अकोमोडेशन लीजिए बजट में, लग्जरी में, आप लोग यहाँ पर कौन सी टॉप प्लेसेस घूम सकते हैं 2 दिन में, फिर आप लोग यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या ले सकते हैं, क्या आप लोग टैक्सी प्रेफर करिए, 2 व्हीलर की फैसिलिटी है कि नहीं है, फिर यहाँ पर बेस्ट टाइम क्या है आने के लिए, क्या टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर क्या फूड ऑप्शंस हैं, मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए क्या कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज और लोकल लोग का कैसा बिहेवियर है, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बजट में बताने वाला हूँ. और लास्ट में आप लोगों को पूरा समरी देने वाला हूँ, जैसे मैंने अपने नैनीताल ट्रिप में दिया था. अगर आप लोगों ने मेरा नैनीताल का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिए इसके बाद. और चलिए चलते हैं 2 दिन की कंप्लीट आइटिनरी में मेरे साथ, इसके बाद आप लोग रूम टूर देखेंगे. आइए मेरे साथ. मदिकैरी में रूम लिया है 2 BHK. यहाँ आके अगर देख लेते हैं आप तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सोफा सेट है, टीवी लगी हुई, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है. और यहाँ पर एक किचन है, बहुत अच्छा किचन दिया हुआ है. यहाँ पर कुकिंग के लिए गैस भी है, आप लोग चाय कॉफ़ी या जो भी आपको बनाना है बना सकते हो. फिर यहाँ एक फंक्शनल फ्रिज है, फ्रिज दिया हुआ है. तो यहाँ पर एक बालकनी भी हुई है. जो पहला रूम है वो ऐसा है, काफ़ी अच्छा रूम है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये रूम. आप देखिए यहाँ पर एक वार्डरोब दिया हुआ है, एक वॉशरूम है. फिर आप दूसरे रूम में आएंगे तो ये दूसरा रूम भी बहुत ही अच्छा है, कोजी सा है. यहाँ पर भी सेम ही स्ट्रक्चर है, बढ़िया सा है. वॉशरूम देख लेते हैं, आइए. वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है. अगर अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं तो आप मदिकैरी में अकोमोडेशन ले सकते हैं. वहाँ पर आपको 1,000-1,500 रुपये में रूम मिल जाएगा. अगर आपको 2 BHK एयरबीएनबी या होमस्टे टाइप लेना है बढ़िया जैसे हमारा है तो वो 3,000-4,000 रुपये मिल जाएगा. तो मैं 1-2 नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग अगर उन लोगों से कांटेक्ट करना है तो उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर हमारा आपको एयरबीएनबी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, होमस्टे ले सकते हैं. सुबह का 9:30 बज रहा है, पहला दिन हमारा स्टार्ट है 2 डे की आइटिनरी में. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग. सो गाइस, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं उडुपी रेस्टोरेंट. मदिकैरी में ही है, सेंटर में. तो यहाँ पर आप लोगों को जैन फूड भी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. तो हम लोगों ने तो इडली सांभर मंगवाया है, तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ. ये हमारा डोसा भी आ गया है, बहुत अच्छा है. तो हम लोगों ने ये प्रेफर किया ब्रेकफास्ट के लिए. आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं ब्रेकफास्ट करने. सो गाइस, स्वागत है आपका ओमकारेश्वर टेम्पल में. हम लोग ओमकारेश्वर टेम्पल आए हुए हैं, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ. तो ये 18th सेंचुरी में बनाया था लिंगर राजेंद्र करके एक राजा थे यहाँ के. और ये राजा ने इसलिए बनाया था, किसी ब्राह्मण को मार दिया था, तो उनके सिंस को पूरा करने के लिए ये टेम्पल बनाया था. टेम्पल है ये, इसमें जो शिवालिंगम रखी हुई है वो काशी से लाई हुई है और फिर न्यूली कंस्ट्रक्ट किया था टेम्पल. और ये इस्लामिक और गोथिक स्टाइल में बना हुआ है. टेम्पल का टाइमिंग बता देता हूँ, तो सुबह 6:30 बजे चालू हो जाता है, दोपहर के 12 तक चालू रहता है, फिर शाम को 5 बजे चालू होता है और शाम को 8:30 बजे तक चालू रहता है. ये मदिकैरी में ही है, तो अगर आप लोग मदिकैरी में रुक रहे हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस है, हमारे होटल से भी वॉकिंग डिस्टेंस है. बहुत ही खूबसूरत बनाया है, अंदर से आप लोग ज़रूर दर्शन करिए. यहाँ पर नामी टेम्पल है यहाँ का और काफ़ी लोग इस टेम्पल को मानते हैं. अभी जो है वो मदिकैरी में ग्लास ब्रिज है, तो हम लोग अभी अंदर जाते हैं, बताते हैं कितने की टिकट है और कैसा है, देखने लायक है कि नहीं है. चलिए आप चलते हैं. सो गाइस, बात कर लेते हैं कि आप लोग कूर्ग कैसे पहुंच सकते हैं. तो आप लोग यहां 3 तरीके से आ सकते हैं. आप लोग ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, फ्लाइट से आ सकते हैं. मगर पहली चीज़, आप लोग ट्रेन से आ सकते हैं. तो ट्रेन में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो मैसूर है, और बैंगलोर भी है, तो आप लोग बैंगलोर या मैसूर आ सकते हैं. फिर एयरपोर्ट पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो मैसूर में भी एयरपोर्ट है और बैंगलोर में भी एयरपोर्ट है. अगर आप लोग बस से आ रहे हैं तो आप लोग बस के SRTC की बस ले सकते हैं.
अगर आप लोग बैंगलोर से चल रहे हैं तो 700 रुपये लेती है बस का, रात में बस चलती है और सुबह यहाँ पहुँचा देती है। फिर अगर आप लोग मैसूर से आ रहे हैं बस से तो 350-400 रुपये लगेंगे, और अगर आप लोग प्राइवेट टैक्सी ले रहे हैं तो 6-7 हज़ार रुपये लगते हैं बैंगलोर से, वन वे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बाकी चलिए चलते हैं और देखते हैं ग्लास ब्रिज। आज मैं आया हूँ कर्नाटका के फर्स्ट ग्लास ब्रिज को देखने, जो मदिकेरी कोर्ग से कुछ 6 किलोमीटर पड़ जाता है। इसकी टिकट कॉस्ट 200 रुपये पर पर्सन है। 5 साल से नीचे का बच्चा अलाउड नहीं है ब्रिज पे। 105 फीट की लंबाई है इस ब्रिज की। यहाँ पर आप लोग एंजॉय करेंगे 180 डिग्री व्यू ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन। वीकेंड पे रश हो जाता है काफ़ी। ब्रिज पे आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, सो डोंट मिस अगर आप लोग कुर्ग आ रहे हैं तो। सो गाइस हम ग्लास ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। व्यू है यहाँ से, आप लोग मेरे पीछे देखेंगे ना तो पूरा नीचे कॉफ़ी प्लांटेशन है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोग लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग टू व्हीलर ले सकते हैं, जो सबसे बजटेड ऑप्शन है। 500-600 रुपये में आपको पर डे के हिसाब से टू व्हीलर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा और टू व्हीलर का भी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं टू व्हीलर। फिर अगर आप लोगों को ऑटो से घूमना है तो ऑटो से घूम सकते हैं। फिर अगर आप लोगों को टैक्सी से घूमना है तो टैक्सी से घूम सकते हैं, वो भी 2-3 हज़ार रुपये लेगी। कितने रुपये लेते हैं आप पूरा दिन? पूरा ग्लास ब्रिज इंक्लूड 1800 रुपीस होता है, नहीं तो ग्लास ब्रिज नहीं तो 1500। क्या क्या घुमाते हैं? कॉफी प्लांटेशन, राजा सीट, राजा टॉम, फोर्ट, म्यूजियम एंड ओंकारेश्वर टेम्पल अभी फॉल। सो गाइस स्वागत है आपका तलकावेरी टेम्पल में। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये कुछ 44 किलोमीटर पड़ जाता है मदिकेरी से और 1.25 घंटा लगता है यहाँ पर आने में। ये जो तलकावेरी है वो फेमस है कावेरी रिवर का ओरिजिन के लिए। यहाँ पर कावेरी रिवर ओरिजिन हुई थी। यहाँ पर एक कुंड है। फिर ये जो है ये ब्रह्मागिरी हिल्स पे सिचुएटेड है। और अगर मैं ड्रेसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्ट्स अलाउ नहीं है, आप लोग पूरा मतलब पैंट पहन के आइए। जो नीचे जो है, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर बाघ मंडला टेम्पल था, उसी के सामने जो है कावेरी रिवर का संगम है। दर्शन कर लिए, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सुकून मिला हमें। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने दूसरे स्पॉट के लिए, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं दूसरा स्पॉट, क्योंकि ये राइड 1-1.5 घंटे की होने वाली है, क्योंकि हम लोग वापस मदिकेरी साइड जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। गाइस हम लोग आए हैं अपना लंच करने के लिए ओटीपी रेस्टोरेंट, क्योंकि नॉर्थ इंडियन यहीं पर अच्छा मिलता है। तो हम अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना खा रहे हैं, ऑफकोर्स साउथ इंडियन खा रहे हैं तो ओटीपी तो फेमस है, मगर नॉर्थ इंडियन भी आप खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जैन फूड भी मिलता है, तो आप लोग जैन फूड भी यहाँ पर खा सकते हैं। हम लोग एक स्पाइस के मार्केट में आए हैं, मतलब एक शॉप में आए हैं, तो अगर आप लोग स्पाइसेस चाहिए और काफ़ी वैरायटीज़ है, मेन चीज़ तो यहाँ पर कॉफ़ी है, तो आप कॉफ़ी ज़रूर लेके जाइए। और अगर आप लोगों को दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी पीनी है तो भी यहाँ पर आप पी सकते हैं। जब जो हम कैफ़े गए थे कल, वहाँ मिलती है वो कॉफ़ी। मिल्क पाउडर भी एडेड है। और ये जो कॉस्ट है इसका 395 रुपीज़ है। बीन्स है 400 ग्राम 300 रुपये का, 295। पाउडर लेना है ऐसा पाउडर, तो ये जो है ये 250 ग्राम है, ये 130 रुपीस का, ये भी कॉफी पाउडर है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं एवी फॉल्स, जो कुछ 6-6.5 किलोमीटर है मदिकेरी से, मगर थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, जैसे मैं चल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को वॉक करके जाना पड़ेगा। मानसून के टाइम बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। और आप लोगों को यहाँ पर आना है तो इसका 10 रुपये की टिकट है, 10 रुपये पर पर्सन। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक चालू रहता है। और ये जो रिवर कावेरी है उसका पानी गिरता है ऊपर 70 फीट ऊपर से नीचे, और स्पेक्टैकुलर व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। एवी फॉल्स को ब्रिटिशर्स जो हैं वो जैसी वाटरफॉल बोलते थे, क्योंकि जो फर्स्ट कैप्टन था यहाँ का, उसकी बेटी थी, उसका नाम था जैसी, इसलिए उसको जैसी वाटरफॉल बोला जाता है। और आसपास यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है, आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ खा पी भी सकते हैं। सो गाइस स्वागत है आपका राजा सीट में। हम लोग अभी एवी फॉल्स के बाद राजा सीट आए। पहले हम लोगों का प्लानिंग था कि हम मंदलपट्टी जाएंगे, मगर इट इज़ क्लोज, सो हमारा वो सेकेंड डे की आइटिनरी में आएगा, सुबह की आइटिनरी में हम लोग इंक्लूड करेंगे, सुबह जाएंगे 7:30 बजे। अभी मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है यहाँ पर, तो अभी चाय पीते हैं और अंदर चलते हैं। सो गाइस 20 रुपये की टिकट है, और जो अंदर आप लोग जिप लाइन भी कर सकते हैं। जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो बंद है, आउट ऑफ ऑर्डर है, और पहले यहाँ पर ट्रेन भी हुआ करती थी, टॉय ट्रेन, जो वो भी बंद है आफ्टर कोविड, वो भी बंद की गई है। तो चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कैसी खूबसूरती है, आइए।
सो गाइज अभी हम लोग राजा सीट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बेसिकली एक पार्क है और एक व्यू पॉइंट है। अभी तो आप लोग देख रहे होंगे वो पॉइंट, अभी मेरे पीछे पूरा फॉग आ गया है तो ज़्यादा कुछ विजुअल है नहीं, मगर फिर भी मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। तो ये जो जगह है ये यहाँ के जो किंग थे और क्वीन थी उन लोगों के द्वारा यूज़ करी हुई जगह है जिन्होंने 200 साल राज किया है यहाँ पर। और ये जो व्यू है वो मैग्निफिशेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो भी पूरा ये जो गार्डन है ये पूरा वाइब्रेंट फ्लावर्स से सजा हुआ है, इसलिए वेस्ट साइज में फेस्ड है, तो ये आइडियल प्लेस है कैप्चर करने के लिए ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। और यहाँ के जो किंग और क्वीन थे वो यहाँ पर बैठ के सनसेट इन्जॉय करते थे, इसको इसलिए इसको राजा सीट नाम दिया गया है। थोड़े बहुत बच्चों के गेम्स है वो इन्जॉय कर सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा आने में। और ये जो टाइमिंग है इसका टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह 9 बजे से चालू रहता है, शाम को 7 बजे तक चालू रहता है। तो हमारा आज का दिन आज अभी ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अपन कल मिलते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को कॉफ़ी खरीदनी है तो आप लोग कॉफ़ी भी खरीद सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ कॉफ़ी खरीदी है। 400 रुपये किलो कॉफ़ी है, एक फाइंड कॉफ़ी रहती है और एक फिल्टर कॉफ़ी रहती है, तो रेट तो सेम ही है। बाकी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। सर आपकी शॉप का नाम क्या है? लावण्या कॉफ़ी करके है। और ये कहाँ पड़ता है? ओमकारेश्वर टेम्पल रोड। तो ये लावण्या कॉफ़ी करके है टेम्पल रोड पे, काफ़ी रीजनेबल और अच्छी कॉफ़ी है, आप लोग भी यहाँ आके ले सकते हैं। हम लोगों ने तो ले लिया है आधा किलो। सो गाइस अभी हम लोग बिग टफ कैफे करके, एक बहुत फेमस कैफे है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी फेमस पास्ता मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है, और हम लोग ने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई पास्ता एंड पिज़्ज़ा। तो हमारा जो है पहले पास्ता है, ये अरेबिका पास्ता है, मिक्स सॉस मंगवाया हमने, थोड़ा स्पाइसी मंगाया। इस टाइम भी यहाँ कोर्ग आने वाला हूँ और यहाँ पर इस कैफ़े आने वाला हूँ तो मैं ज़रूर ट्राई करने वाला हूँ। दिस इज़ वेज पिज़्ज़ा और पिक तो काफ़ी अच्छा रहा है, तो इन लोगों का खुद का वुड फायर पिज़्ज़ा है, काफ़ी अच्छे से बनाते हैं ये लोग। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कैसा है। इनके पास मेन्यू में मगर एक ही है, वेज, एक मार्गरिटा और एक चिकन है। मतलब ऐसा बोल रहे थे लोग कि पिज़्ज़ा फेमस है यहाँ पर, वाकई में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, आप लोग पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करिए बिग कप कैफ़े। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2। अभी हम लोग की दिन की शुरुआत हो रही है मंडलपट्टी से, तो हम लोगों ने जीप यहाँ से ले ली है, हमारे होटल में जीप आ गई थी। बाकी बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे क्लाउड्स बेड्स हैं। बाकी जीप के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, अगर आप लोग एवी फॉल्स आ रहे हैं ना तो वहाँ से आप लोगों को जीप मिल जाएगा, वहाँ पर 500 रुपये पर पर्सन लेते हैं, और अगर आपको पूरा जीप लेना है तो 2500 रुपये लेते हैं। अगर आप फैमिली में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप लोग पूरी जीप ले सकते हैं। आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा जो हमारे जीप ड्राइवर हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपके होटल पे आ जाएंगे, वहीं से आप लोगों को पिकअप कर लेंगे। बाकी ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ऊपर का व्यू और यहाँ का रास्ता कैसा है, क्योंकि 5 किलोमीटर पूरा ऑफ रोडिंग है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है और मैं आप लोगों को रिव्यू भी देता हूँ कि ऑफ रोडिंग में कितना टाइम लग रहा है और सीनियर सिटीज़न के लिए कैसा है, ये आने लायक है कि नहीं है, बच्चों के लिए कैसा है। रास्ता है यहाँ से आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ तक आपको जीप छोड़ेगी आके, और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा ऊपर, थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा आपको, ऊपर तक जाना है अपन को। ये 4000 फीट की ऊंचाई पे है, 360 पैनोरामिक व्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो है ये मचान टाइप बनाया हुआ है यहाँ पर। और इसका जो टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे खुलता है, शाम को 5:30 बजे तक चालू रहता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग मॉर्निंग में ही आइए, मॉर्निंग में बेस्ट व्यू है, इवनिंग में भी अच्छा व्यू होता होगा मगर मॉर्निंग में ज़्यादा चांसेस है आपको अच्छा मिस्टी क्लाउड और क्लाउड वेड्स देखने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को टॉयलेट की सुविधा भी मिलेगी, जैसे ही आप लोग जीप आपको जहाँ छोड़ेगी वहाँ पर आप लोग टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर आइए अगर आप लोग कोर्ग की ट्रिप पे आ रहे हैं तो, ये मस्ट विजिट पॉइंट है। सेकेंड डे की हमने आज की शुरुआत यहीं से करी है। तो गाइज अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, ये नीचे जाती है, एक और व्यू पॉइंट है नीचे, तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बिल्कुल ही नेचर के बीच में हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पर क्लाउड बेड्स मेरे पीछे हैं और ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर बैठे रहें और यहीं पर टाइम स्पेंड। तो मैं सीनियर सिटीजन के लिए तो बिल्कुल मना करूँगा क्योंकि काफ़ी ख़राब रास्ता है,
तो बिल्कुल मत आइए आप लोग। अगर आप लोगों को बैकबोन की प्रॉब्लम है तो भी मत आइए आप लोग। और बच्चों की बात रही, अगर बच्चे आ रहे हैं तो हमारी नीस है शाबी, उससे आप लोग रिव्यू जानिए बच्चों के लिए। कैसा लग रहा है शाबी को? अच्छा लग रहा है। तो बच्चे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? थोड़ा क्या बोलना चाहोगे बच्चों को? अच्छा, खाना खा के नहीं आए। और दूध भी पी के नहीं आए। जंप। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और देखते रहिए। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। बजट की बात कर लेते हैं तो मैं लास्ट इस वीडियो के लास्ट में पूरा बजट समरी देने वाला हूँ कि कितने कितने का क्या क्या पड़ा है मेरे को। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा बजट के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग सुबह हम लोगों ने दिन स्टार्ट किया था मंडलपट्टी जीप सफारी से। आए हो वो आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। उसके बाद हम लोग आए चिकली होले रिजर्वर डैम। मगर अभी ये सही टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पीछे अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये वही फॉल है ऐसा जहाँ से पानी दिखता है। आप रेफरेंस के लिए फ़ोटो देख रहे होगे साइड में, तो वैसा नहीं है क्योंकि ये मानसून में ही देखने लायक होता है। जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। बाकी मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ये जो डैम है ये 1998 में बनाया गया था। इसका जो डीपनेस है वो 20 मीटर है और जो इंजीनियर्स की जो एक्सपर्टीज टीम है उन लोगों ने बनाया गया है। तो आसपास की सराउंडिंग अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर पूरा लश ग्रीन फॉरेस्ट है। ऐसा लगेगा कि आप कोई अफ्रीका के जंगल में घूम रहे हैं और उसके बीच में डैम है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। अगर आप लोग मानसून में आ रहे हैं तो आप लोग इसको ज़रूर अपने बकेट लिस्ट में इंक्लूड करिए। हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंट दोबारा कैंप। अभी तो लोग बोट से जा रहे हैं, वैसे जब पानी कम रहता है ना तो लोग पैदल क्रॉस करते हैं। और चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या सुविधा है और कैसा इंतज़ाम है। और हम लोग सुबह सुबह आए तो रिकमेंडेड यही है कि सुबह 11:30 से पहले आप लोग यहाँ पर आइए। 150 रुपीज़ पर पर्सन है, 50 रुपये का बोट राइड है और 100 रुपये का टिकट है। बाकी हम लोग पहुँच चुके हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर दोबारा कैंप के अंदर आ चुका हूँ। हम लोग बाथिंग के बाद यहाँ पर आ चुके हैं, एक ग्राउंड बना हुआ है। सुबह 8:30 बजे एलिफेंट्स को दोबारा फॉरेस्ट में से लेके आया जाता है और फिर 9:30 बजे से 10:30 बजे तक इनकी बाथिंग होती है। तो अगर आप लोगों को बाथिंग इन्जॉय करना है, बाथिंग में आप लोग हाथ लगा सकते हैं एलिफेंट पर, पानी डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। 10:30 बजे के बाद उन लोगों को फीड किया जाता है, न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता है। फिर 11:30 बजे वापस ले जाके उनको फॉरेस्ट में दोबारा फॉरेस्ट जो है उसमें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये बंद हो जाता है। फिर 4:30 बजे उनको फॉरेस्ट से वापस लाया जाता है, दोबारा जो फॉरेस्ट से उससे वापस लाया जाता है 4:30 बजे। 4:00 बजे से 5:30 बजे तक फिर से उनको खाना दिया जाता है, न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता है और फीड किया जाता है। फिर 5:30 बजे उनको वापस से फॉरेस्ट छोड़ दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को दोबारा एलिफेंट दोबारा कैम इन्जॉय करना है, 9:30 से 10:30 के बीच में ही यहाँ आइए, जिससे आप लोगों को बाथिंग इन्जॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ फीड कर सकते हैं और फीड करते हैं। और अगर आप लोगों को एलिफेंट को फीड करना है तो आप लोगों को 50 रुपये देने पड़ेंगे। छोटा सा चारा देता है तो आप लोग खुद फीड कर सकते हैं। तो जितने भी एलिफेंट हैं यहाँ दोबारा, बेसिकली जो मैसूर में दशहरा फेस्टिवल होता है ना, उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और फिर दशहरा में उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। तो बहुत मेसमराइजिंग है और काफ़ी सारे एलिफेंट्स आपको देखने मिलेंगे। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आप लोग ये जगह बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी बोट राइड रहेगी, या तो पानी ज़्यादा रहेगा तो, और अगर बोट राइड नहीं रहेगी तो आपको पैदल क्रॉस करना पड़ेगा बेयर फुट, तो वो भी एक अलग एडवेंचर है। तो ये जो है ये कोर्ग में आप लोग ज़रूर इन्जॉय करिए। लोग यहाँ राफ्टिंग भी कर सकते हैं। एलिफेंट दोबारा कैंप में एंट्री करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पर राफ्टिंग का कैंप लगा हुआ है। 300 रुपये पर पर्सन लेते हैं और आधे घंटे आपको राइड करा देंगे। मिनिमम 4 से 5% लेके जाते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे चालू हो जाता है, शाम को 4:30 बजे तक चालू रहता है। तो अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स है, अगर आप लोगों को पसंद है एडवेंचर एक्टिविटी तो आप लोग ज़रूर राफ्टिंग करिए। अभी हम लोग दोबारा एलिफेंट के बाद हम लोग आ गए हैं निसर्ग धामा, कावेरी निसर्ग धामा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एंट्री फ़ीस जो है वो 60 रुपये की एंट्री फ़ीस है अडल्ट की, और फिर चिल्ड्रन की एंट्री फ़ीस 30 रुपये की है। इस काइंड ऑफ आइलैंड 64 एकड़ में फैला हुआ है।
गाइस ऐसा ब्रिज आपको देखने मिलेगा, ये बहुत ही प्यारा ब्रिज है और इसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं और नीचे से नदी बह रही है, दिस इज कावेरी रिवर। इसे पूरा कावेरी का फ्लो देखिए आप नीचे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखिए आप। यहाँ पर एक और ब्रिज बना था आएगा वो टूट गया है। यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने मिलेंगी, यहाँ पर कॉटेजेस हैं, यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है, बर्ड्स पार्क है, बैम्बू पार्क है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग जिप लाइन कर सकते हैं, 100 रुपये, हालाँकि 120 मीटर्स तक है, छोटा ही है मगर नॉट बैड है 100 रुपये में। गुड राइड, मज़ा आया, मगर अगर आप लोग हाइट से डरते हैं ना तो मेरे को तो डर लगता है तो मगर मैंने फिर भी अपने डर के आगे जीत वाला सिस्टम किया, गॉन फॉर इट, और बहुत मज़ा आया। एक बार लगता है डर फिर नहीं लगता, आप लोग ज़रूर करिए, 100 रुपये का है मात्र। डियर पार्क है, फिर एडवेंचर पार्क है, रेस्टिंग एरिया भी है और बोटिंग भी होती है, होटल भी है और रेस्ट रूम भी है, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो 2-3 घंटे निकाल के आइए तो आप लोग अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगे। आपको ऐसा कॉटेज मिल सकता है 3,000 रुपये में, डुप्लेक्स है, काफ़ी औसम है। आप चलिए अंदर से देखते हैं कि कैसा है। सबसे पहले एंट्री करेंगे तो यहाँ बेड है, सिंगल बेड, काफ़ी अच्छा है, कोजी है, जंगल के बीच में आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, मतलब सोफ़ा, आप लोग यहाँ पर चिल कर सकते हैं। यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ आप लोग अगर सुबह उठेंगे और ये बाजू में कावेरी रिवर है, अमेजिंग, बहुत ही प्यारा है ये। और यहाँ पर भी एक बालकनी दी हुई है बैठने के लिए, यहाँ पर आप चिल कर सकते हैं। आप लोगों को ये कॉटेज बुक करना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, ये मेरा 100% रिकमेंडेशन रहेगा। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर रुकता एक दिन यहाँ पर। स्वागत है आपका नामदोलिंग मॉनेस्ट्री में, ओल्डेस्ट और बिगेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट बोला जाता है इंडिया में, और यहाँ पर लगभग 600 मॉन्क्स रहते हैं और 16,000 रिफ्यूजीज रहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है ये गोल्डन टेंपल। अगर आप लोग जाएंगे तो लॉर्ड बुद्धा का काफ़ी बड़ा स्टैचू है। यहाँ पर जो विजिटिंग आ रहा है वो सुबह 7 बजे से चालू रहता है, शाम को 6 बजे तक। मॉनेस्ट्री में हम लोगों ने अंदर बुद्धा जी के दर्शन करे और मैं आप लोगों को थोड़ा सा मॉन्ग की लाइफ के बारे में बताऊंगा। मैंने एक्चुअली एक दो छोटे बच्चे मॉन्ग से इंटरेक्शन किया, तो यहीं पर उनको पढ़ाई कराते हैं। एक 8 साल की पढ़ाई अलग होती है, एक 9 साल का स्कूल अलग होता है, स्कूल और कॉलेज यहीं पर है और ये यहीं पर रहते हैं और यहीं पर पढ़ते हैं, और इसके बाद ये लोग या तो टीचिंग में जा सकते हैं या तो अपना ऐसे ही छोटा सा खोल सकते हैं। अभी यहाँ पर गर्ल्स का मतलब लेडीज़ का सेक्शन अलग है, जेंट्स का अलग है, तो लेडीज़ उस साइड रहती हैं, जैसे यहाँ पर स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल टाइप है, मगर ये लोग थोड़ा मॉन्क की स्टडी करते हैं, वैसा मैथ्स और साइंस रहती है इनकी स्टडी में, मैंने बात करी जितना मेरे को समझ में आया। बाकी काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, और ये मॉनेस्ट्री तो इतनी ब्यूटीफुल है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये तो इंक्लूड कर रहे हैं आपको अपने आइटिनरी में। सो गाइस देखिए, जो मॉन्क्स हैं ना वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर बने हुए हैं रूम्स, यहाँ पर सारे ऊपर मॉन्क्स ही रहते हैं। लोग ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए, जो डोर है ना उसमें दरवाजे नहीं है, सारे पर्दे लगे हुए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया, पूरा ग्रीन है ये, आप देखो, बहुत ही आपको पीस लगेगा, काम लगेगा। हालांकि यहाँ बात करना अलाउड नहीं है ज़्यादा। बहुत अच्छा मौसम हो गया है और बहुत ही प्लेजेंट हो गया है, हम लोगों के जैकेट्स बाहर निकल गए और ठंड लग रही है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन भी है, हम लोग अंदर जाते हैं, डैम बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, अभी अंदर जाके समझते हैं कैसा है क्या है और आप लोगों को दिखाते हैं, तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर बारिश होने लगी है और यहाँ पर बहुत ही प्यारा गार्डन है, गार्डन बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, फ्लोरा एंड फौना पूरा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो और मज़ा आ रहा है घूमने में। ये डैम जो है इसकी हाइट में बता देता हूँ, ये 47 मीटर हाइट में है। ये जो डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। रिजर्वर जो है वो 420 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा डैम है ये और काफ़ी खूबसूरत डैम है। तो अगर आप लोगों को अपनी आइटिनरी में इसको इंक्लूड करना है 2 डे की आइटिनरी में तो आप लोग कर सकते हैं, आपको इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग मॉनेस्ट्री जा रहे हैं, गोल्डन टेंपल देखने जा रहे हैं, तो वहाँ से अगर लौटने में आप लोग हिरंगी डैम कर सकते हैं, फिर आप लोग मदिकेरी जा सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग अल्फ़ा कैफ़े करके, एक और अल्फ़ा कैफ़े, यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है, वहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा देखना है, सिटी व्यू देखना है, व्यू के साथ खाना खाना है, तो
आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा है, पूरा प्रॉपर कैफ़े है, जैसे हम लोग बिग कफ कैफ़े गए थे वैसे ही टाइप का कैफ़े है। थोड़ा अंडर रेटेड है, ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है, मगर बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े है और इसका व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर अभी तो फॉग है तो इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, मगर अगर फॉग नहीं रहता तो पूरा सिटी का व्यू दिखता है और बहुत ही मेस्मराइजिंग और बहुत ही ऑसम लगता है। तो आप लोग ज़रूर आइए अगर आप लोगों को ऐसा व्यू एंजॉय करना है। सो अगर लोकल लोगों की बात कर लेते हैं तो लोकल लोगों का बिहेवियर अच्छा है काफ़ी, कि लैंग्वेज जो है वो इन लोगों को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज में। टेम्परेचर तो बहुत ही अमेजिंग है, जो बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने के लिए वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस टाइम आप लोग प्रेफर करिए। और वीकेंड में तो क्राउडेड हो जाता है क्योंकि आईटी वाले काफ़ी रहते हैं। फिर अगर आप अपन लोग नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो 5G का अच्छा नेटवर्क है यहाँ पर, एयरटेल और जियो दोनों आता है, तो नेटवर्क का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कहीं भी आप जाओगे तो। और इतना घुमावदार रास्ता नहीं है जितना कंपैरेटिवली बाकी पहाड़ियों में होता है। सो आपको गाड़ी में भी कुछ नौशिया या वॉमिट नहीं होने वाला है। अगर आप लोग शॉपिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं सुविनियर्स के हिसाब से आप लोग ले जा सकते हैं। सबसे मेन है यहाँ कॉफ़ी स्टेट है ये, तो कॉफ़ी आप लोग मस्त लीजिए। हम लोगों ने भी कल कॉफ़ी खरीदी है जो 400 रुपये किलो हम लोगों को मिली है, फिल्टर कॉफ़ी भी यहाँ मिलती है। और सुविनियर्स की बात कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें वुड की यहाँ पर अच्छी हैं, वुड की आप लोग काफ़ी चीज़ें नक्कारी वाली खरीद सकते हैं। दो दिन का आइटिनरी कंप्लीट हो गया है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद एक बजट का शीट आने वाला है, पूरा शीट मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मेरे को खर्चा हुआ, कितना पैसा लगा, तो आप लोग ये थोड़ा आगे तक और देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी ज़रूर करिए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए डेस्टिनेशन में। बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, आप लोग आइटिनरी देख रहे होंगे, मैंने प्रॉपर आइटिनरी बनाई है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं अब बजट की, तो मैंने बजट शीट बनाई है यहाँ पर फॉर अ सिंगल पर्सन। अगर आप लोग कपल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग इनटू टू कर दीजिए इसको।